ये बात भी सही है, कब्जे का जो संवैधानिक अधिकार है वो वैसे भी नेताओं के पास है। अब बात करेंगे फिजा में जहर की। एमपी में इन दिनों शहर शहर फिजा में जहर घोलने की साजिश देखने को मिल रही है। असामाजिक तत्व प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। बीते 3 दिन अलग अलग शहरों से इस तरह की तस्वीरें आई हैं। कहीं विदेशी झंडा लहराया गया तो कहीं आपत्तिजनक नारे लगे हैं। आखिर कौन है जो प्रदेश का माहौल खराब कर रहा है? ये अकेले एमपी की बात नहीं है, राजस्थान और महाराष्ट्र से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं, जहां जुलूस पर नफरती पत्थर फेंके गए और इसके बाद लड़ाई झगड़ा बढ़ता चला गया। एमपी में बढ़ती नफरत की घटनाओं को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रही है। एमपी में माहौल बिगाड़ने की साजिश, जुलूस में पत्थरबाजी और विदेशी झंडा, पत्थरबाजों का निशाना उन्माद है फैलाना। पर्दे के पीछे कौन है साजिश का किरदार? मध्य प्रदेश में इन दिनों एक बड़ी साजिश चल रही है और वो है प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की। शहर शहर असामाजिक तत्व धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। छतरपुर, खंडवा, शिवपुर, रतलाम, मंदसौर, मंडला, जहां जुलूस के दौरान पत्थरबाजी हुई, फलस्तीनी झंडा लहराया गया और नारेबाजी की गई। छतरपुर में तिरंगे पर अशोक चक्र की जगह अरबी भाषा में कलमा लिख दिया गया और झंडा घंटों तक लहराता रहा। खंडवा में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें धार्मिक जुलूस के दौरान आपत्तिजनक नारे लगाए गए। वायरल वीडियो पर हिंदू संगठनों ने नाराजगी जताई है। मामले में पुलिस को शिकायत दी गई है। इस पर पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इधर इस मामले को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया। दूसरे पक्ष को बदनाम करने के लिए झूठे पत्थरबाजी की घटना को जिस तरीके से प्लांट किया जा रहा है और उसमें अगर भाजपा के कार्यकर्ता हैं तो प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मध्य प्रदेश की शांति को भंग करने का अगर कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति प्रयास कर रहा है, एक तरफ आपने छतरपुर में बुलडोजर चला दिए, दूसरी तरफ जब वो आपका कार्यकर्ता निकलता है तो आप कोई कार्रवाई नहीं करते, तो दो तरफा क्यों कार्रवाई की जाए? कानून व्यवस्था जो होनी चाहिए है वैसी आज व्यवस्था नहीं है मध्य प्रदेश में। और अफसोस की बात यह है कि स्वयं मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री हैं, उसके बावजूद प्रतिदिन जो घटनाएं पूरे मध्य प्रदेश में हो रही हैं बहुत ही दुखद हैं। हम तो यही मांग कर रहे हैं कि सीएम साहब सबसे पहले गृह मंत्री से इस्तीफा दें, किसी और को ये काम सौंप दें। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि सभी घटनाओं को लेकर सरकार सख्त है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरह से बीते 3 दिन से घटनाएं सामने आ रही हैं, वो कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती हैं। आखिर कौन है जो प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। महाराष्ट्र के भिवंडी में मंगलवार देर रात गणेश जुलूस में